ओए 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 ओए, अरे लाखन, अरे जब मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं। अरे गन्ना चूसक क्यों लगा के, अरे लोग अपन को गुल्लो गोलियों कहते हैं तेल लगा के। हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। गेंडा स्वामी, अरे ये जो बच्चा है गोडी गोडी कर रहा है, थोड़ा मोडी सुनाई पड़ता है, पूरा पगलेटे हो का रे। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लोइन के नाम से जानती है और तुम तो जानती हो कि मैं एक न एक दिन प्रभाकर को जरूर पकड़ के रखूंगा। वाह वाह जानी वाह। अरे याद रख, अरे जो दीपक है ना, पटना के सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चलाता रहा है, लेकिन अफसोस अरे इस रिक्शे की वजह से कितना अगुआ आया और चला गया। अरे क्यों समझा रहा हूँ, अरे दौलत है शौहरत है, बस एक चीज की कमी है, औरत नहीं है। अरे ये दीपक रिक्शे वाला है, अरे जियो 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 जिसको जैसे जीना हो। मैं क्यों समझा रहा, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। कहते हैं बुझे को राख कहते हैं, शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और हमारे साथ एक रिक्शा वाले हैं जिन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि मामूली रिक्शा वाले हैं। हैं तो बहुत गरीब, लेकिन इनके पास कला मुझे लगता है कि पवन खेसारी और तमाम उन बड़े कलाकारों जैसी है जिनको देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर जाते हैं तो फिल्मों में भी इनको काम मिलना चाहिए। सबसे पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आप कितने कितने 50 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ निकाल सकते हैं, फिल्म स्टारों की, लालू यादव हो गए, मोदी हो गए, अमरीश पुरी, कितने लोगों की आवाज़ निकाल सकते हैं, आपको सुनवाएंगे, बने रहिएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? दीपक कुमार शर्मा। पटना में कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, पावापुर तो चाची गाँव का। 20 सालों से पटना में रिक्शा चला रहा हूँ। मैं इतना गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ कि मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, थोड़ा सा ज़मीन है, हाँ थोड़ा सा ज़मीन है, और ये गरीबी के कारण मेरे पास अभी तक कोई हेडफोन भी नहीं है। हेडफोन भी नहीं है? ना ना ना, कोई फ़ोन नहीं। दिन भर में कितना रुपया कमा लेते हैं? अभी तो इसका बाज़ार मंदा हो गया, वही 250-300 कमा लेते हैं। 250-300 दिन भर काम करते हैं? हाँ हाँ, आज तो संडे है, आज बाज़ार ऑफ है। आज कितना रुपया सुबह से कमाए? ना अभी तक तो नहीं, अभी जीरो है। देखिए 3 बजने वाला है, सुबह से कितना बजे से निकले थे घर से? वही 9 बजे आज निकाले। 9 बजे से निकले हुए हैं, 3 बजे का समय हो रहा है अभी, और अभी तक इन्होंने 1 रुपये भी इनकम नहीं किया है आज। बताइए आप सबसे पहले किसका आवाज़ निकालना चाहिएगा? सबसे पहले मैं सबसे पहले एक ऐसा अभिनेता का आवाज़ निकालना चाहता हूँ जिसे लोग बहुत लाइक करते हैं, उनका नाम है राजकुमार, उनका मिमिक्री शायद ही कोई करता होगा। चलिए। वीर सिंह न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। गेंडा स्वामी, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो याद रखो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कितने शहीद होते आए हैं और कितने शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, ये तो हमारे छोटे से पाइप का कमाल था। अगर तुमने हमारे गमछे को हाथ लगाया होता तो जर के राख हो जाते गेंडा स्वामी। वाह क्या बात है, हू बहू एकदम लग रहा है कि राजकुमार ही बोल रहे हैं। इसके अलावा आप लालू यादव जी का आवाज़ निकालिए, मोस्ट पॉपुलर लीडर बिहार के जो हैं लालू यादव जी, अभी RJD की सरकार भी बन गई है। लालू जी का मैंने बहुत कम आवाज़ सुना है, मेरे पास तो फोन भी नहीं है, फोन भी नहीं है, मैं फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हट बड़े बाग कहीं का, अरे देखो, अरे मोदी जी का भाषण चल रहा है, अरे ये जो बच्चा है गोडी गोडी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है, अरे पूरा पगलेटे हो का रे। हे बउआ तेजस्वी, अरे जो दीपक रिक्शा वाला है, अरे एकर एगो इच्छा है कि तेजस्वी भैया के सीट पे बैठावे, अरे एक बार एकर इच्छा तो पूर्ति कर दो, अरे रखो कैमरा। सुनिए तेजस्वी यादव जी,
दीपक रिक्शा वाले हैं, लालू यादव का भी आवाज़ निकाल सकते हैं, कितने लोगों की आवाज़ निकाल सकते हैं सुनवा रहे हैं आपको। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं इनकी मदद भी करिएगा, बहुत ही गरीब इंसान है, इनके बहन की शादी भी होने वाली, उसको पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन और आप किसका आवाज़ निकालना चाहिए, किस राजनेता का नेता? मैं तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा फैन हूं जी। मैं उनका आवाज़ निकालना चाहूंगा। अभी जो छापे पड़ रहे हैं वो कैसे कहेंगे जी। हम तो दिल्ली गए पीएम से मिलने, हमने प्रस्ताव जारी किया था, ना कि नीतीश जी ने। सोचने वाली बात है, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। सोचिए मामला क्या है नहीं है, पहले विचार कर लिया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए, समझे। इसके अलावा आप अमरीश पुरी जी का आवाज़ निकाल सकते हैं। इससे अभी जब राज नेताओं का जिक्र है तो मैं अरविंद केजरीवाल का आवाज़ सुना। केजरीवाल दिल्ली के सीएम। हाँ, दिल्ली के सीएम। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हर आदमी के पास अच्छा आवास होगा तो एक आज़ाद भारत का निर्माण हो सकेगा। मैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से आग्रह करूँगा कि एक बार ये दीपक रिक्शे वाले के, यानी कि पैंडल रिक्शे वाले की सवारी करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। देखिए हूबहू केजरीवाल हो गए, तेजस्वी यादव, लालू यादव। अब चलेंगे हम फिल्म स्टारों की तरफ। अमरीश पुरी का आवाज़ निकाली सबसे पहले। अभी तो मैं फिलहाल काफ़ी थका हुआ हूँ, कोशिश करूँगा अमरीश पुरी का। ओए 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 ओए, अरे लाखन, अरे जब मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना तो मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं। अरे ये बरसात से डरे हुए गंदे नाली के कीड़े हैं जो अपने आप को गंगा नहाया समझते हैं। नाना पाटेकर। अरे क्यों समझा रहा हूँ, अरे दौलत है शौहरत है, बस एक चीज की कमी है, औरत नहीं है। अरे ये दीपक रिक्शे वाला है, अरे जियो जियो जियो, जिसको जैसे जीना हो। मैं क्यों समझा रहा हूँ, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। देखिए दिन का मात्र 300 रुपये हाइएस्ट कमा पाते होंगे दिन में, आज एक रुपया भी नहीं कमाए हैं। आज दिन रविवार का है और सब कोई छुट्टी का दिन मनाता है, लेकिन इनको आज एक रुपये की भी कमाई नहीं हुई है। अब इतने गरीब हैं कि मुझे लगता है कि शायद इनके बहन की भी शादी है, उस पर लास्ट में मैं चर्चा करूँगा। और अगर सोनू सूद जी, आप बहुत लोगों की मदद करते आ रहे हैं, इनके अंदर टैलेंट है, आपसे भिक्षा नहीं मांगा जा रहा है, इनके अंदर टैलेंट है, हो सके तो इनको कहीं ना कहीं काम दिलवाइए ताकि अपना जीवन अच्छे से कर सके। इनकी भी शादी नहीं हुई है, इनके बहन की भी शादी। इसके अलावा आप किसका आवाज़ निकालना चाहिएगा? और मैं कुछ कलाकार ऐसे हैं जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी, वो गांव के लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। मैं उनका आवाज़ सुनना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। सुनिएगा मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह वाह जॉनी वाह, अरे याद रख, अरे जो दीपक है ना, पटना के सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा है, लेकिन अफसोस, अरे इस रिक्शे की वजह से कितना अगुवा आया और चला गया, लेकिन अब उनका मैरिज नहीं हुआ। जानते हो क्यों? अरे इसकी सबसे बड़ा वजह है गरीबी। लेकिन याद रख, अरे हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसी बेटियां हैं जो दहेज की आग में झोंक दी जाती है। अरे उससे अच्छा तो ये दीपक रिक्शा वाला है, लेकिन अफसोस, अरे इस रिक्शा वाला का आज तक किसी ने हाथ नहीं थामा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब एक कॉमेडियन का मैं चाहूंगा आप निकालिए। कॉमेडियन में जॉनी वॉकर का सुना जाए। अरे भाई फिर तुम आ गए, मैंने कितनी बार बोला ना, अच्छा तुम हो। अरे अगर तुम होते आज लड़ाई हो जाता। अच्छा भाई अगर तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। इसके अलावा कितने लोगों का, आप अपने से आप जो फेवरेट हो आपके उनका निकालिए कुछ लोगों के। हाँ परेश रावल का डायलॉग सुनिएगा। अरे राजू, अरे का कंपटीशन लड़ेगा, अरे ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी राजू है। ए राजू, अरे इधर आओ। ये परेश रावल का आवाज था। अच्छा, अब मैं शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज सुनना चाहता हूँ। सिन्हा बिहार के। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। मैं पटना के सड़कों पर 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन अफसोस, आज तक कभी गांधी मैदान, लोहानीपुर वगैरह वगैरह का भाड़ा लगता नहीं है। अरे ये तो शुक्र अदा करो
एसके दवाईपुरी और चकारम का कि ये पैंडल रिक्शा बड़े शान से चल रहा है। जय हिंद जय भारत। आखिर में बहुत सारे लोगों का निकाल सकते हैं और निकाल रहे हैं, अक्षय कुमार का आवाज निकाल सकते हैं। झूठ झूठ झूठ, न जाने कितने दिन कितने महीने कितने साल तुम झूठ पे झूठ बोलते आए कि मैं दीपक के रिक्शा में बैठूंगा, लेकिन बैठा नहीं। अरे मामा ये किसी किसी क्यों करते हो यार, रखो फोन। इसके अलावा और कुछ का निकालना चाहिए? हाँ हाँ, और है पृथ्वी राज कपूर, बहुत पुराने एक्टर हैं, उनका आवाज सुना जाए। सलीम भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह मुगल सम्राट, और हमारे सल्तनत में कोई बिना प्रवेश करे ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, चले जाओ। अब मैं विलन में ये इनका सुनाना पसंद करूंगा, अजीत का, अजीत का आवाज। कालीचरण मूवी आप लोग देखे हैं, उनका भी आवाज लोगों ने बहुत पसंद किया, कालीचरण। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लोइन के नाम से जानती है, और तुम तो जानती हो कि मैं एक न एक दिन प्रभाकर को जरूर पकड़ के रखूंगा। और ये देखो हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं सब ऑटोमेटिक काम करते हैं, ग्रीन बटन दाबोगी तो शटर रूम खुलेगा, इसलिए याद रखो सारी दुनिया मुझे लोइन के नाम से जानती है। और एक विलेन गुलशन ग्रोवर, हाँ आप उनका आवाज़ सुनिए, गुलशन ग्रोवर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे गन्ना चूस के लगा के, अरे लोग अपन को गुल्लो गोलियों कहते हैं तेल लगा के, अरे अपन रिक्शा यानी कि पैंडल रिक्शा लेके जंक्शन गया, लेकिन अपन को देखते ही वो तो उड़न छू हो गई, खैर छोड़ो। अरे ये जब से मार्केट में ही रिक्शा आया ना, पैंडल रिक्शा का काने कदम हो गया तेल लगा के, मतलब जब से बैटरी वाला है आप लोग का इनकम कम हो गया। हाँ हाँ इनकम कम हो गया। एक और बहुत सारा विलेन है इनका सुनिए, गब्बर सिंह, वो भी मेरा फैन है, अमजद खान। आओ शाबाश, क्या सोच कर आए थे कि ये दीपक रिक्शा वाला खुश होगा? हाँ, अरे सांबा, अरे तूने दीपक रिक्शा वाला का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया रे। अरे मैं तो सोनू सूद भैया से यही कहूँगा, सोनू सूद भैया, अरे मेरी बहन की शादी है, कम से कम कुछ पैसे का हेल्प कर दो, अगर कर दोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये गब्बर सिंह याद रखो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर, जब रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती सो जा बेटे, नहीं तो दीपक रिक्शा वाला आ जाएगा। सनी देओल का आवाज़ निकाल सकते हैं क्या? जी जरूर जरूर, हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं। मैं अपने भाई के बारे में बोलूँगा। ना मुन्ना, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुन्ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुन्ना, तुम्हें कातिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं मुन्ना, याद रखो। अरे इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है, एक एक को देख लूँगा, सातों को साथ मारूंगा। देखिए ज़्यादा अब नहीं निकलवाऊँगा, लेकिन आगे इनकी कहानी मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आप इसके बाद निकालिएगा। सबसे पहले बताइए, आपकी बहन की शादी सेट हो चुकी थी पिछले साल, ठीक है, अभी तक शादी नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पा रही आपकी बहन? वो पैसे की किल्लत है, और दूसरा बात कि कमाई नहीं है। मेरा स्टोरी तो बहुत सारा चैनल वाला भी डाला है कि मैं कैसा हूँ, क्या नहीं, मेरी क्या कहानी है, यही पैसों की वजह से शादी रुक गई। सर पैसा की वजह से आपकी बहन की शादी नहीं हो? हाँ ये दिसंबर में फाइनल हुआ, दिसंबर में फिर है, अगर पैसे हो पाए तो ही हो पाए। हाँ मैं चाहता हूँ कि अगर सोनू सोद जी अगर मेरी मदद कर देते तो मैं इस जन्म का तो आने वाले कई जन्मों तक उनका ऋणी रहूंगा। सोनू सूद जी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी कि एक रिक्शा वाले हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड है, आपने इनका टैलेंट देखा होगा अभी वीडियो के माध्यम से, और बिहार के तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ढोंड़ी गंगड़ा छिलने वाले कलाकारों को, ढोंड़ी चटना कलाकारों को तो बहुत देखते हैं, मिलियंस में देखते हैं, कभी हो सके तो इन लोगों को देखिए जो कि कड़ी मेहनत के बाद मेहनत करके रिक्शा चलाते हैं और दिन भर में 300 रुपया कमाते हैं, आज 1 रुपया भी नहीं कमा पाए हैं। इसके अलावा इनकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि यह गरीब है, यही अगर ढोड़ी चटवा तेल चटवा कलाकार का मैं इंटरव्यू लिया होता तो आप लोग मिलियंस में देखते और हर एक इंसान शेयर करता। बस यही प्यार से कहना चाहूँगा सोनू सूद जी या फिर बिहार के जो कलाकार हैं पवन सिंह या फिर तमाम खेसारी लाल यादव, तमाम जो भी बड़े स्टार हैं जो मदद कर सकते हैं, हो सके तो इतना मदद इनको कर दीजिए ताकि अपने फिल्मों में कान दे दीजिए अगर हो सके तो, और नहीं दे सकते हैं तो इतना इनकी मदद कर दीजिए ताकि इनके बहन की शादी जो है वह न रुके और एक गरीब की
घर परिवार चल सके, क्या कहना चाहिए? मैं दो और एक दो कलाकार ऐसा जिसको लोग बहुत आवाज सुनते हैं, जैसे एक शाहरुख खान, उनका शाहरुख खान मोस्ट पॉपुलर, शाहरुख खान और ये सुनील शेट्टी, बहुत सारा है, बहुत कलाकार का आवाज निकालते हैं। और एक लास्ट में नरेंद्र मोदी का कोशिश करूंगा, बिहार के पीएम उन्हें कैसे छोड़ दूंगा, भारत के पीएम। हाँ, सबसे पहले सुनील शेट्टी। ऐ अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा। जानती हो अंजलि, मैं रिक्शा लेके कई दिनों तक तुम्हारे घर पे गया, लेकिन किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया। आई हेट यू अंजलि, आई हेट यू। अब शाहरुख खान का, अगर वो मेरी अपनी माँ से बात करेगा या फिर पैसेंजर के बारे में कैसे बोलेगा? अरे माँ, अरे अरे ये क्या बनाई हो माँ? अरे भिंडी, अरे मैंने कितनी बार कहा था ना मैं भिंडी नहीं खाता हूँ। ए किरण, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, मगर याद रखो, अरे ये दीपक रिक्शा वाला जिंदगी में एक बार लव किया और बहुत बुरी तरह से चोट खाया। आए 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 हेडियो सिमरन, आए हेडियो। आखिरी आवाज नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का निकाली, आखिरी आवाज आपसे निकलवा रहा। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन की कितनी किल्लत था, लेकिन मैंने एक योजना चलाया, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इस योजना के तहत महिलाएं गैस का कनेक्शन पाए, अभी वो बहुत ही खुश हैं। मगर मित्रों याद रखो, क्या ये मेरा निर्णय सही था? मैं तो पटना आता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दीपक रिक्शे वाले में एक बार तेजस्वी जी बैठे हैं। देखिए, जो भी आप लोगों ने सुना, काफ़ी आप लोगों को इंटरटेन किया इन्होंने, और आगे मैं चाहता हूँ कि जितने चैनल वाले देख रहे हैं इनको पॉपुलर करिए। सोनू सूद जी आने वाले हैं बिहार में, आपसे आग्रह रहेगा मेरा कि आप तक अगर वीडियो पहुँच जाता है, और जितने लोग देख रहे हैं इनको वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सोनू सूद जी पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनकी मदद करेंगे ताकि इनके बहन की शादी हो जाए, और बिहार के तमाम कलाकारों को आप लोग सपोर्ट करते हैं जो कि बिहार में गंदे गंदे गाने गाते हैं, हो सके तो इस अच्छे इंसान की, जिसने एक भी भोजपुरी नहीं गाया, आपने एक भी भोजपुरी वालों का नहीं निकाला। मैं भोजपुरी आवाज में राजकुमार का डायलॉग, राजकुमार का भोजपुरी में निकालेंगे बस। एक सेकंड, गेंडा स्वामी, हम रउआ के सिर्फ ई बतावल आयल रही बानी कि यदि तूने तिरंगा के खिलाफ कोनो कदम उठेला तो हम तोड़ा के ऊ मौत मारब जो ना तो कोनो किताब में लिखल हुई और ना कोनो मुजरिम ने कभी सोचले रही। गेंडा स्वामी, जरा इधर भी ताका, ये कमांडोज हुए तो हर बाप हुए, पट्टा हिले से पहले ही गछिया काट देवेला, तोर भलाई यही में बा कि चुपचाप ठाड़ रहा, समझला? जय हिंद। जिस दिन आपका रिक्शा का कमाई नहीं हो पाता है, कैसे खाना खाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं ना ऊपर वाला देता है तो जरूर देता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो। यह वीडियो कैसा लगा? दीपक रिक्शा वाले का नेचुरल टैलेंट, बिहार के टैलेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में किसी और टैलेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।